करना चाहूंगा जी, देखिए आपने तो अभी एनएचपीपुर सेमिनार भी है, वेबिनार भी है और उसमें आपने जाना है, तो आपकी तरफ से एक लास्ट कमेंट, आपको क्या लगता है इंडेक्स को लेकर के, एग्री इंडेक्स को लेकर के फ्यूचर एस्पेक्ट और इस पर आपने नहीं, मैं काफी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई है, 2025 तक चलेगी, तो ऐसे प्रोडक्ट जो एनसीडीएफसी और रेगुलेटरी रिजाइन की ऑप्शन है या इंडेक्स है, ये जस्ट शुरुआत है और खाली वेट करने की बात है। मैंने खुद मेरे आपको जो लिखा है 21 जनवरी को जब इक्विटी मार्केट क्रैश किया था, उसके बाद हम जानते हैं कि 2013 तक कमोडिटी का क्या सिनेरियो था, तो ऐसा गोल्डन पीरियड अभी आना बाकी है। बेटर है हम अपने सीट बेल्ट को अभी से बांध के रखें, ये प्रोडक्ट समझ लें, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक अगला 3 साल एक गोल्डन पीरियड रहेगा एग्री कमोडिटी के लिए खास करके। हाँ, डर ये रहता है कि इतना बड़ा तेजी आ चुकी है, अब और बढ़ेगा क्या, अभी भी कमोडिटी में तेजी नहीं आई है, तो आई थिंक जो ये इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्स है, ये गेम चेंजर के रूप में खाली एक हम बोल सकते हैं शिफ्ट ओवर की बाकी है। इक्विटी में हम जानते हैं जो इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्शन ड्यू है, और एक बार ऐसा करेक्शन ड्यू होता है तो हमने 2008 में नए असेट को ढूंढने की कोशिश की थी और वो असेट कमोडिटी है, तो आई एम वेरी मच बुलिश और डेफिनेटली जो ये इंडेक्स प्रोडक्ट है या ऑप्शन प्रोडक्ट है एग्री के अंदर, ये गेम चेंजर का रूप ले सकती है। आपका लास्ट कमेंट, ब्रोकिंग इंडस्ट्री एंड ग्रासरूट लेवल पे इन्वेस्टर्स का भी अगर फीडबैक देखें तो 100% पॉजिटिव है इस चीज के लिए, क्योंकि आज हम पोस्ट कोविड कहेंगे आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद खत्म हो रहा है कोविड, तो ये बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही उस टाइम है साइकिल का जब लिक्विडिटी पूरी है इंडिया में एंड लोगों के पास में अब लोग नए एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं उस लिक्विडिटी को पार करने के लिए। गोल्ड हो गया, गोल्ड देख लिया, इक्विटी हो गई, इक्विटी देख ली, आज 60,000 हो गया, 18,000 हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा टाइम है ये एनसीडीएक्स के लिए कि नए से नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विपिन जी, आपका इस पे लास्ट कमेंट, विपिन जी नहीं है, अरुण जी, बहुत सारी चूंकि इसमें अभी और भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन जो चीजें निकल करके आई, एक लैक ऑफ नॉलेज, अभी भी मार्केट इसकी दरकार करती है कि उनको इसका इसके बारे में प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिले, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल हो जिससे लोग अवेयर हो पाए, डे टू डे एक्टिविटीज से भी अवेयर हो पाए, एक्सचेंज क्या कर रही है, कम्युनिटी का मतलब क्या है, और एक देसी भाषा के अंदर। दूसरा, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वो दिखता है, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर में भी थोड़ा सा हो सकता है कि बदलाव लाने की जरूरत पड़े, क्योंकि पूरी इवेंट के अंदर में लगभग बात निकल करके सामने आया। और तीसरा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि बिकॉज जब तक आप प्रॉपरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और लोगों के बीच के अंदर में ये चीज नहीं जाएगी, तो पार्टिसिपेशन नहीं आएगी और लिक्विडिटी नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, क्योंकि पहले जीवन बीमा को अलग नजर से देखा जाता था, LIC को एक अलग आस्पेक्ट से देखा जाता था, इंश्योरेंस एक अलग प्रोस्पेक्ट के साथ में था कि यार ये तो मतलब मरने के लिए हम पैसा दें, तो उस नजरिए को कितना तेजी के साथ आज हमने बदलते हुए देखा है। इक्विटी मार्केट जिसको सट्टा बाजार कहा जाता था उसको बड़ा तेजी के साथ हमने बदलते हुए देखा है नजरिए को। तीसरा, फ्यूचर फंड्स को बड़े तेजी के साथ हमने नजरिए को बदलते हुए यहाँ पर देखा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जल्दी वो समय भी आएगा जब कमोडिटी एक्सचेंजेस का भी को लेकर के भी नजरिया जो है लोगों का बदलेगा और इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब इस पे आपका मैं और साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस डिबेट का उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला होगा, जो वोट ऑफ थैंक्स है अरुण जी, मैं चाहूंगा इसमें वोट ऑफ थैंक्स के साथ में आप अपने लास्ट कमेंट को ऐड करें और वोट ऑफ थैंक्स करें। धन्यवाद सुरेश जी, और मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, मुझे निश्चित तौर पे लग रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हमें ज्वाइन किए हैं और मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी आपका लाइव चल रहा है, तो सबको इसमें काफी डेफिनेटली इंटरेस्ट आया होगा, एटलीस्ट कुछ अवेयरनेस जरूर कमोडिटी के विषय में बढ़ी होगी उससे। मैं इस पे एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमने सबने कहा कि म्यूचुअल फंड जो है जिस तरीके से प्रमोट किया गया,
ठीक है। अब म्यूचुअल फंड एक 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 तरीका हो गया पैसा इन्वेस्ट करने का, राइट। लेकिन अब क्या कमोडिटीज के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, पिछले दो साल, लगभग दो साल पहले ये अलाउ हो गया है, राइट, रेगुलेटर ने इसको अलाउ किया। बट जब हम कहते हैं कि कमोडिटीज के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, तो कुछ उसके अंदर यू नो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है जो रेगुलेटरी है, यानी कि आप एक एक्स वाई जेड परसेंटेज से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते हैं, आपको अगर डिलीवरी आ जाती है तो आप उसको केवल अगले महीने में आपको छोड़नी होगी, आप फिजिकल में डिस्पोज ऑफ करना है आप तुरंत कीजिए, मतलब ऐसी चीजें हैं जो उस इन्वेस्टमेंट को डिफिकल्ट बना देती है। तो नो डाउट रेगुलेटर ने काफी सारे स्टेप लिए जिससे उन्होंने जो नए इंस्ट्रूमेंट या जो जो नए पार्टिसिपेशन जो हो सकता था उनको इन्वाइट किया कमोडिटीज बाजार में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात यह है कि वो आ सकते हैं या वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास राइट इंस्ट्रूमेंट है, राइट प्रोडक्ट है? तो मैं कहूंगा कि शायद अब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे वो उतने सूटेबल नहीं थे उनकी नीड के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कुछ रुकावटें थी। लेकिन अब जो इंडेक्स आए हैं, चाहे वो सेक्टोरल इंडेक्सेस हो, चाहे वो कंपोजिट इंडेक्स हो, वो बिल्कुल उस दिशा में कदम है जहाँ पे मैं कहूंगा कि जिससे वो लोग आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा एक चेकर बोर्ड है जहाँ पे यू नो एक एक चीजों को आप टिक कर रहे हैं कि ठीक है, चलिए अब हमें म्यूचुअल फंड इक्विटीज मार्केट में शायद 25 साल पहले अलाउड हुए होंगे, कमोडिटीज मार्केट में 2 साल पहले अलाउड हुए, तो एक एक लेगेसी है। और अगर आप क्रिप्टो से कंपेयर करें तो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने युवराज जी ने भी कहा कि वो एक अलग चीज है, वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, और नॉर्मली जो भी अनरेगुलेटेड चीज होती है वो एक बहुत बूम के साथ ग्रो करती है, और वो बूम एंड बस्ट साइकिल है, राइट। बस्ट वी डोंट वांट की बस्ट हो, क्योंकि जो वहां पे जो क्लाइंटेल हो सकते हैं उसमें काफी हमारे क्लाइंटेल भी हो, लेकिन वो एक एक सच्चाई है, एक जो बूम आता है बहुत स्पीड से आता है, फिर एक बस्ट आता है, ऐसा यूजुअली देखा गया है। लेकिन जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है वो इक्विटी एक्सचेंजेस की तरह बहुत हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटर हर चीज पे निगाह रखते हैं, एक्सचेंजेस को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है लेकिन एक कंसिस्टेंट होती है। तो मैं कहूंगा कि पहली चीज है कि आपके पास वो पार्टिसिपेंट होने चाहिए जो उस मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, जो हाल फिलहाल में पिछले 3 से 4 सालों में सेबी ने अलाउ किया, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके पीएमएस हाउसेस हो, तो उन पार्टिसिपेंट को लाने के लिए राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो दूसरा स्टेप है, प्रोडक्ट जो है सेक्टोरल इंडेक्सेस या जो बाकी इंडेक्स है, तो उस दिशा में एक कदम है कि उन लोगों को एक, क्योंकि हम भी काफी म्यूचुअल फंड से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें ये समझ में आया कि वो कहते हैं जी आपके यहाँ हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे डिलीवरी आ गई तो आई कैन नॉट कीप इट, मैं उसको रख नहीं सकता हूँ, मुझे अगले महीने डिलीवर करनी पड़ेगी, और गलती से एक्सपायरी आ गई तो मैं फंड हाउस हूँ, मेरा काम फिजिकल डिलीवरी को मैनेज करना नहीं है, तो सॉरी आई एम इंटरेस्टेड, आई नो आपके यहाँ रिटर्न है, बाकी सब चीजें हैं, आप जो बता रहे हो सब कुछ सही है, लेकिन आई कैन नॉट ट्रेड बिकॉज माई रिस्क, मेरा जो रिस्क है वो मुझे अलाउ नहीं करता है काम करने के लिए ऐसी चीजों में, या एक लिमिटेशन है मेरी ट्रेड करने की, मैं उतना एक्सपोजर ले सकता हूँ। बट वंस यू हैव द राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट, आई थिंक दे विल ओपन अप, दे विल डेफिनेटली कम, और जब ये लोग आ जाएंगे तो ये लोग दे विल ऐड टू द लिक्विडिटी, एंड जो बाकी पैनलिस्ट भी एग्री करेंगे और सबने कहा है मुझे कि लिक्विडिटी ब्रिंग्स मोर लिक्विडिटी, इट इज बेसिकली कि अगर जैसे ही नए लोग आने लगते हैं तो उनको देख के और 10 नए लोग आते हैं। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारी बात होती है, मैंने कहा ढाबे पे अगर हम कहीं खाना खाने पे रुकते हैं रास्ते में, तो हम ये देखते हैं वहां पे 10 गाड़ियां खड़ी है कि नहीं खड़ी है तो एक बहुत जरूरी चीज है। सो सॉरी, जितने भी यहाँ आए हैं पैनलिस्ट, सबको कल जाके कम से कम दो दो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी आए। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश जी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली हमें सबको जो भी है, और आई थिंक अगर हम अंडरलाइन कमोडिटी में काम कर रहे हैं हम या हमारे क्लाइंट, तो हमें डेफिनेटली एक, क्योंकि एक्सचेंज का एक लिमिटेशन है कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, तो एक जरिया है वेबिनार के थ्रू पहुंच सकते हैं, बट आई थिंक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होता है किसी भी एक्सचेंज का, वो उनके ब्रोकर पार्टनर होते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी जो होती है ब्रोकर्स की वो होती है, तो आई थिंक नॉलेज का जो फ्लो है वो उस चैनल से ही होता है, कि एक्सचेंज एज अ पर्सन जो है, एक्सचेंज एज इंस्टीट्यूशन, उसका एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड नंबर तक पहुंच सकता है, वो लोगों तक पहुंच सकता है, बट अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वो ऐड कर ले जो मेंबर ब्रोकर फ्रेटर्निटी है, तो आई थिंक वो रीच अक्रॉस द इंडिया, आई मीन फ्रॉम से JNK टू यू नो साउथ इन केरला वी हैव फ्रेंचाइजीज एंड ब्रांचेस ऑफ आवर मेंबर, तो अगर वो सब वी आर इन लाइन फॉर अ प्रोडक्ट, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप अ प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रोइंग। तो आई थिंक विद दैट सुरेश, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, और आई थिंक आई होप दैट सभी जो हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया उन सबको डेफिनेटली इसको सुन के जरूर कुछ ना कुछ कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ
नई अंडरस्टैंडिंग बनी होगी एग्री कमोडिटी को लेके, और मैं ये भी मानता हूँ कि डेफिनेटली वो लोग यू नो अपना एक तरफ एग्री को ओवरऑल एग्री को और रेस्टोरेंट बेसिस को एज ए इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट देखना शुरू करेंगे अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं। मैं उसके साथ मेरे हमारे सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा, नितिन जी का, बीरेन जी का, अजय जी का, युवराज जी का, जिन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया और डेफिनेटली काफी ऐसी चीजें बताई जो यू नो मार्केट में जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं या फिर जो लोगों को नहीं पता होती है। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। और एट द एंड ऑफ इट सुरेश जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये बहुत अच्छे से इस सेशन को मॉडरेट किया, और आई थिंक डेफिनेटली जिन लोगों ने इसको अटेंड किया उनको इसको अटेंड करने में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, थैंक यू। शुक्रिया अरुण जी, और मैं भी एनसीडीएक्स की तरफ से भी और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से भी आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर जुड़े हैं और क्योंकि उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है निश्चित तौर के ऊपर ये नॉलेज ऑफ एक्सचेंज ही है जिससे आपका एक्सपीरियंस नॉलेज ये इंक्रीज करता है और भविष्य भी निर्धारित करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे वेबिनार्स लगातार होते रहने भी चाहिए ताकि जो नॉलेज का जो ग्राफ है वो रुकना नहीं चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें रखी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो जितने भी हमारे अटेंडेंस हैं उनका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जरूर उन्हें मिलेगा, ऐसे ही मेरी उम्मीद है। और युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीरेन जी आपने समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि अभी वो इस वक्त मुझे लगता है कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरी आवाज या जब भी वो प्रोग्राम इसका अर्काइवल देखेंगे तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी अटेंडेंस का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय कीमती समय निकाला और हम सब की बात को उन्होंने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।